आपको बता रहे हैं कसडोल से जो है बालोदा बाजार कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के दिशा निर्देश में कसडोल के दो झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पहली कार्रवाई विश्वास क्लिनिक, तत्पश्चात डॉक्टर बलराम इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाखाना जो बिना किसी डिग्री से संचालित हो रहा था, ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई है। बड़ी खबर, बिना डिग्री डॉक्टर क्लिनिक का संचालन कर रहे थे और बड़ी बात यह है कि इसकी सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आया। काफी लंबे समय से इस तरीके से ये डॉक्टर संचालन किया जा डॉक्टरों द्वारा बिना डिग्री के संचालन किया जा रहा है क्लिनिक, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है और खामियाजा हर बार पेशेंट्स को ही भुगतना पड़ता है। जो मरीज आते हैं वो भुगतते हैं, क्योंकि ऐसे कई मामले हमने देखे और सुने हैं जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से या सही इलाज नहीं मिल पाने की वजह से या तो मरीज की स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है या मौत हो जाती है। ऐसी स्थितियां भी हमने देखी हैं और इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण के लिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कसडोल से बिना डिग्री डॉक्टर क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं और ये परिणाम कितना गंभीर हो सकता है ये अपने आप में समझा जा सकता है कि आखिर बिना डिग्री के डॉक्टर इस तरीके से इलाज करेंगे तो मरीजों का क्या होगा और इनकी जिम्मेदारी लेने वाला आखिर कौन है। इस तरीके से संचालन बराबर किया जा रहा है, लगातार इस तरीके से इलाज किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सुध लेने वाला और कोई नजर नहीं आ रहा है। बड़ी खबर कसडोल से, दो झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्लिनिक को सील कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन क्लिनिकों तो को सील कर दिया गया है, लेकिन ऐसे तमाम न जाने कितने क्लिनिक होंगे जहां पर बिना डिग्री के डॉक्टर इलाज भी करते होंगे और मरीज भी वहां पर भीड़ लगाने के लिए आते होंगे और उनका इलाज ठीक तरीके से नहीं होता होगा तो परिणाम क्या सामने आ सकते हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर कार्रवाई स्वरूप उनके क्लिनिक को सील कर दिया गया है। तो लोकसभा